द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स एज शोन इन द फिगर. ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, तो यहाँ पे आपका वी वर्सेज एक्स ग्राफ है, हमें ई वर्सेज एक्स ड्रॉ कर लेना है. तो देखो, पहले जीरो से ए तक को ऑब्जर्व करो. ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना. स्लोप जो है वो आपको पॉजिटिव दिख रहा है. ये रिलेशन हो जाएगा ऐसे, v इक्वल टू k इंटू एक्स. ये हमने ले लिया स्लोप, है ना. वैसे इसको लिखना कैसे था हमें, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ देख लो, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x. प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो k इंटू एक्स आ जाएगा, है ना. यानी k जो है एक कॉन्स्टेंट है जो यहाँ पे स्लोप का काम करेगा. कैसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, यहाँ पे कांस्टेंट जीरो है और ये m जो है यही आपका स्लोप होता है ना. तो इससे कंपेयर कर लिया मैंने, तो k जो है स्लोप का काम कर रहा है यहाँ. अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv अपॉन में dx, इसको अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो k कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, फाइनली माइनस के आया dx अपॉन में dx, है ना. माइनस dx अपॉन में dx, ये माइनस का वन हो गया इंटू के, तो माइनस वन आ गया. यानी e जो है माइनस के है, है ना. तो इस रीजन से हमने ये निकाल लिया कि e क्या होगा, वो हो गया आपका माइनस के. a से b चलते हैं, a से b देखो क्या है. फिर डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा. ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल फिक्स हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया यहाँ पे. देन ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स. तो खुद बताओ, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो. ओके, फिर b टू c यहां देखेंगे, तो यहां पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो यहां पे डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू, देख पा रहे हो आप. तो ये हो जाएगा आपका माइनस x. वैसे यहां पे मुझे x लेना होगा, लेकिन यहां पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस x. यानी डिस्टेंस के साथ जो है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे ही मैं माइनस ले लेता हूँ, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है. तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, तो v इक्वल टू माइनस के एक्स. तो माइनस साइन आप यहीं लगाओगे, क्योंकि जो भी है x से ही लेना देना है. तो डिस्टेंस के साथ अगर v डिक्रीज हो रहा है तो साइन आप माइनस यहाँ पे ले लोगे, और ये आ जाएगा v इक्वल टू माइनस के एक्स. अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन में डी एक्स एंड माइनस के एक्स. ओके, तो अब यहां पे देखो k जो होगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा. तो अब फाइंड आउट तो कर सकते हो ना. अब इसका जो ग्राफ होगा k और माइनस के, तो देखो जीरो से यानी ओ से ए तक माइनस के है ना, तो ये हो जाएगा आपका, हमने कुछ ऐसे कर लिए इसे, देख पा रहे. उसके बाद ए टू बी ठीक है, और b टू c पॉजिटिव है, लेकिन है तो कांस्टेंट क्योंकि डिस्टेंस के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है. तो ये हो गया आपका b टू c. तो ये होगा आपका ग्राफ किसका, e वर्सेस x का. ओके, तो इस तरह से आपको इसे कर लेने हैं. तो यहाँ पे कहीं आपको डाउट रहा हो
कि ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये हो जाता है आपका, इसको पढ़ेंगे आप, चेंज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता है। माइनस का मतलब यही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करें तो पोटेंशियल जो होगा वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा। क्लियर?